दोस्तों आगे आने वाले चंद मिनट के अंदर जो प्रोसेस मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं, उस प्रोसेस को जब आप फॉलो करोगे तो आपका शॉर्ट वीडियो क्या उसके बाप को भी वायरल जाना पड़ेगा। इतनी जबरदस्त तरीके से मैं आपको अभी से गारंटी देता हूं और वीडियो को आपको कोई पर भी स्किप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी चैनल को ग्रो कराने का सवाल है और उस चैनल से लाखों की अर्निंग करने का सवाल है। इस वजह से वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। जो डेटा मैंने निकाल के रखा है ना, एक एक ऑथेंटिक तरीके से आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको हर एक शॉर्ट वीडियो को अपलोड करना है जिससे कि आपकी शॉर्ट वीडियो 110% वायरल जाए। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहां पर देख सकते हो मैंने 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के अंदर जीके वीडियो डालकर जीके चैनल से मेरे एग्जाम जीके एकेडमी इस चैनल से 10 दिन के अंदर $129 की जो अर्निंग है मैंने की है। एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूं ताकि आपको प्रूफ आ जाए कि हाँ की है करके। यहां पर देख लीजिए पेज रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते दोस्तों। और यहाँ पर देख लीजिए पेज रिफ्रेश हो चुका है, $129 की अर्निंग मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 से 10 दिसंबर के अंदर मतलब 10 दिन के अंदर की है। अब $129 को मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पर हो सकते होते हैं ₹10,600 मैंने 10 दिन के अंदर जो है दोस्तों एक जीके चैनल के थ्रू वीडियो अपलोड करके की है। चंद मेहनत के अंदर सिर्फ 15-20 मिनट के अंदर वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ और 10 दिन के अंदर $129 की अर्निंग मैंने कर ली है। इतनी अर्निंग आप भी कर सकते हो। उसके लिए सीखने के लिए मैंने एक कोर्स आप सभी के लिए लॉन्च किया है और जो भी इंटरेस्टेड है उस कोर्स को बाय करने के लिए उस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो जरूर ले लेना दोस्तों। आप इतनी ज्यादा अर्निंग जो कि मैं कर रहा हूँ आप भी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर कर सकते हो जीके चैनल के थ्रू। तो इंटरेस्टेड जो जो भी स्टूडेंट है उस कोर्स में जरूर कर लेना। चंद पैसों को इन्वेस्ट करके आप सीखने वाले होंगे किस तरीके से दिन के ₹1,000 आपको मिनिमम के तौर पर कमाने हैं। तो इंटरेस्टेड हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर ही उस कोर्स के अंदर इनरोल कर लेना। सबसे पहले देख लीजिए मैंने पहले टैब के अंदर क्या ओपन करके रखा दोस्तों, ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट का नाम है रैपिड टैग्स। आपको इसी वेबसाइट पर आना है, आपका शॉर्ट वीडियो जिस किसी टॉपिक के ऊपर है यहां पर आके आपको क्या करना है उस कीवर्ड को सर्च करना है रैपिड टैग इस वेबसाइट पर। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ आगे दिखाऊंगा अपलोड करके। मान लीजिए कि मेरे वीडियो का टॉपिक है कि मेक मनी ऑनलाइन, तो यहां पर मैंने सर्च किया तो मेरे सामने इतने सारे टैग्स आ चुके हैं। जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन मैंने सर्च किया तो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन 2022, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम होम, इस तरीके के जो जबरदस्त कीवर्ड है जो कि सर्च किए जाते हैं वो यहां पर मेरे सामने आ चुके हैं दोस्तों। पहली स्टेप आपको ये फॉलो करनी है रैपिड टैग इस वेबसाइट पर आकर जिस किसी टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हो उस कीवर्ड को आपको यहां पर आके सर्च करना है। जो कहा है उतना करो। ये क्यों करना है, कहां पर करना है, कहां पर अपलोड करना है, किसको इसको कहां पर रखना है, सब कुछ आगे जान लेते हैं। दूसरी एक वेबसाइट है दोस्तों, यहां पर मैंने अगले टैब के अंदर ओपन करके रखी है। इस वेबसाइट का नाम है ऑल हैशटैग जनरेटर। इस नाम की वेबसाइट पर आपको आना है या किसी भी वेबसाइट पर जाना है जो कि हैशटैग को जनरेट करती है। तो मैं इस वेबसाइट पर आ चुका हूं और यहां पर मैंने आके सर्च किया दोस्तों मेक मनी ऑनलाइन इस कीवर्ड को, और सर्च करने के बाद यहां पर जनरेट पर क्लिक भी कर दिया है। और नीचे देखोगे तो मेरे सामने बहुत सारे जो कीवर्ड है यहां पर हैशटैग जनरेट करके हमारे सामने आ चुके दोस्तों। इतने मैंने तो एक ही कर किया था सर्च और इतने सारे जो हैशटैग है हमारे सामने जनरेट करके इस वेबसाइट ने ला कर दिए हैं। अब इसे भी हमें क्यों सर्च करना है, कहां पर पेस्ट करना है, वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जैसे कि मान लो कि मेरा वीडियो अपलोड किया गया, ये कि यहां पर मैंने अपलोड करके रखा दोस्तों, ये मेरा एक शॉर्ट वीडियो है, ये एक फैक्ट का वीडियो है, समझ लीजिए ऐसा, एक्चुअली में नहीं है लेकिन आपको समझना है कि ये मेरा एक शॉर्ट वीडियो है जो कि फैक्ट से रिलेटेड है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो हम ऑल हैशटैग जनरेटर इस वेबसाइट पर आ चुके थे, यहां पर हमने जो हैशटैग जनरेट किए हैं इसको हमें कॉपी करना है और अपने शॉर्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको यहां पर पेस्ट करना है। देखो ये इस तरीके से पेस्ट कर दिए मैंने, तो इस तरीके से आपको पेस्ट करना है। और करने के बाद अब हम चलते हैं रैपिड टैग इस वेबसाइट पर। यहां पर देख लीजिए मैंने क्या सर्च किया था, फैक्ट वीडियो से रिलेटेड मैंने एक कीवर्ड सर्च किया था। हमारे सामने अनगिनत अदर क्रिएटर क्या कहते हैं उसको टैग्स आ चुके हैं जो कि फैक्ट से रिलेटेड लोग सर्च करते हैं या लोग अपने वीडियो के टाइटल में डिस्क्रिप्शन में लगा देते हैं या हैशटैग लगा देते हैं। वो सारे कीवर्ड मैंने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट वीडियो सर्च करने के साथ ही हमारे सामने आ चुके हैं दोस्तों। यहां पर आपको क्या करना है, इस सारे कीवर्ड को कॉपी करना है। देखो यहां पर आपको कॉपी का बटन दिखा देता है,
ये नीचे वाला कॉपी का बटन, इस पर क्लिक करना है। जो हमारे ये कीवर्ड है सारे के सारे कॉपी हो चुके हैं दोस्तों। अब इस कीवर्ड को हमें क्या करना है, हमारे वीडियो के पास आना है। आने के बाद यहाँ पर नीचे जाना है दोस्तों। अब स्मार्टफोन में कर रहे हो तो क्या होता है कि अपलोड करते समय आपको टैग्स लगाने का शॉर्ट वीडियो के अंदर ऑप्शन नहीं आता, तो आपको अपलोड करना है, अनलिस्टेड सेव करना है या प्राइवेट में सेव करना है, और फिर क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जाके आपको टैग्स इंसर्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको वैसा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये टैग्स का ऑप्शन देखते हैं आपके सामने, ये देखो, ये यहाँ पर रहा टैग्स का ऑप्शन, जो हमने इस वेबसाइट से टैग्स कॉपी किए थे। अब हमें जाना है वीडियो के टैग्स के अंदर और उस कीवर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है फैक्ट से रिलेटेड। तो होगा क्या कि इतने सारे हम जो कीवर्ड डाल रहे हैं, जो कोई भी ऑदर किसी भी क्रिएटर का कोई वीडियो देख रहा है, वो भी फैक्ट का है और आपका भी फैक्ट का है, तो ये हमने कीवर्ड हमारे टैग्स के अंदर लगाए हैं। और साथ ही साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने ये हैशटैग लगाए हैं, तो इससे होगा क्या कि जो कोई सिमिलर वीडियो देखेगा तो उसके तुरंत बाद हमारा वीडियो भी जाएगा 110% जाएगा, क्योंकि हमने पूरा SEO किया है, कि हमने YouTube को अच्छी तरीके से समझाया कि हमारा वीडियो किस बारे है, किस किस कीवर्ड पर हमारा वीडियो को रैंक करना चाहिए, इस तरीके से हमने YouTube को बता दिया दोस्तों। अब ये हमारी दोनों बातें हो गई, एक तो डिस्क्रिप्शन डालना और दूसरा हमारा कीवर्ड यानी कि टैग्स डालना, ये दोनों हो चुके हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, आप जिस किसी कैटेगरी में या जो कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो, जिस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर रहे हो, उस टॉपिक पर देखो कि कौन कौन से चैनल है जो कि ग्रो हुए हैं। अब फैक्ट के अंदर तो बहुत सारे मिल जाते हैं, वही मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं। मैं फैक्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो मैंने क्या किया दोस्तों, सॉरी, मेक मनी और फैक्ट के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया वो मैं दोस्तों, लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, मैंने फैक्ट की ये जो कीवर्ड है ना, फैक्ट की है समझ लीजिए, और उसके बाद फैक्ट का वीडियो होने की वजह से मैं देखूंगा कि फैक्ट के अंदर कौन कौन ऐसे चैनल है जो कि ग्रो किए हैं। जैसे कि मैंने ओपन करके देखा दोस्तों, यहां पर देख लीजिए, ये फैक्ट डॉन एक ये यूट्यूब चैनल है जिनके चैनल पर फैक्ट वीडियोज अपलोड करके 13 मिलियन सब्सक्राइबर इन्होंने हासिल किए हैं। अब ये दूसरा एक चैनल है मस्त फैक्ट, इनके चैनल पर कितने हैं, 34 लाख सब्सक्राइबर इन्होंने भी फैक्ट वीडियो अपलोड करके किए हैं। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, अपने टाइटल के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर इन सारे, मतलब जो भी पॉपुलर है ना यूट्यूब चैनल जिस कैटेगरी में आप वीडियो बना रहे हो, उनके चैनल के नेम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो लगा सकता हूं या तो टाइटल में लगा सकता हूं। जैसे कि देख लीजिए, मैं क्या कर देता हूं दोस्तों, यहां पर ना इसको मिटाकर मैं यहां पर मान लीजिए कि मेरा वीडियो है कि वाह टैलेंट हो तो ऐसा, मैं अपने वीडियो का टाइटल रख दूंगा, वाह टैलेंट हो तो ऐसा, मैंने ऐसा अपने वीडियो का टाइटल रख दिया दोस्तों। और रखने के बाद ये एक कट लगाऊंगा, और यहाँ पर अब क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो फैक्ट से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पर फैक्ट के पॉपुलर चैनल को यहाँ पर ओपन करके रखा है इन दो, तो इन दोनों चैनल का जो नाम है मैं अपने वीडियो के टाइटल में लिख दूंगा। कैसे लिख दूंगा, ऐड लगाऊंगा, एक मिनट, ये कुछ और ही हो गया, माफ़ करना, यहाँ पर ऐड लगाऊंगा दोस्तों, ये देखो ऐड लगाया, और यहाँ पर मस्त फैक्ट इस तरीके से लगाऊंगा, एक इस तरीके से कट भी लगाऊंगा, और उसके बाद क्या करना है, एक मिनट, ये फैक्ट मस्त फैक्ट इस तरीके से लिख दिया, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, मस्त फैक्ट इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर कट लगाऊंगा, और भी एक ऐड लगाऊंगा, और यहाँ पर फैक्ट डॉन इस तरीके से लिख दूंगा। क्या होगा कि उनके व्यूअर के सामने हमारी वीडियो जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बल्कि चांसेस नहीं, जाएंगे ही जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया है, ये टाइटल जो है आपके वीडियो का सोच समझ कर देख लीजिए कि आपने जो वीडियो बनाया है, जिस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, वहाँ पर आप क्या टाइटल दे सकते हो, और उसके बाद हमको जिस किसी वीडियो पर अपने टॉपिक पर वीडियो बनाया उस टॉपिक के अंदर कौन से चैनल हैं ग्रो किए हुए, उनके चैनल के नाम आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। या तो आप टाइटल में भी कर सकते हो, या तो इसी नेम को हम यहाँ पर कॉपी करके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लगा सकते हैं दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये शॉर्ट का ज़माना है इस वजह से, और शॉर्ट के अंदर कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम उतनी होती ही नहीं है। जैसे कि हमने अब हमारे चैनल के शॉर्ट वीडियो के कितने ज़्यादा काम किए, SEO किया है, जैसे कि हमने टाइटल के अंदर फेमस यूट्यूबर के यूट्यूब चैनल का नाम इंक्लूड किया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनके यूट्यूब चैनल का नाम इंक्लूड किया है, और दूसरा ये कि हमने हैशटैग भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लगाए हैं, और तीसरा यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ फिर से दोस्तों कि हमने जो है टैग्स के अंदर यहाँ पर
फैक्ट से रिलेटेड अनगिनत टैग्स लगाए हैं जो कि हमारे वीडियो को रैंक करने में हद से ज़्यादा मदद करने वाले हैं। अब इतना काम आपको एक वीडियो पर नहीं, दो वीडियो पर नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जितने भी आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, ये प्रोसेस करने में आपको एक मिनट का समय नहीं लगेगा दोस्तों। बस ये प्रोसेस करनी है और इसी प्रोसेस के साथ आपकी हर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करनी है, चाहे लॉन्ग करो या शॉर्ट करो, इसी प्रोसेस के साथ करो और फिर देखो कि आपका शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं जाता है। ऐसा मुझे आगे को फिर मैं आपकी बातों को मानूंगा दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक अपलोड किया और वही चल गया, दो अपलोड किया या दूसरा ही चल गया, ऐसा नहीं होता। जितने भी आप अपलोड कर रहे हो उसके साथ ये प्रोसेस करनी है। 110% आपका एक ना एक वीडियो इतना वायरल जाएगा कि आपके चैनल पर लाखों में सब्सक्राइबर आपको ला के देगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि औरों को ला के दिए है, एक एक चैनल एक एक वीडियो से मिलियन सब्सक्राइबर उनको ला के दिया है दोस्तों। ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है। इतनी ज़बरदस्त तरीके से आपकी कोई वीडियो फंस गई एल्गोरिदम में तो वो चलने वाली है, जो कि आपको मिलियंस में लाखों में सब्सक्राइबर ला के देने वाली है। अब सब्सक्राइबर आएंगे, व्यूज़ आएंगे तो शॉर्ट फंड कहाँ जाएगा, वो भी तो आएगा ही ना। तो फायदे बहुत है दोस्तों अगर आप ऐसे करते हो तो, है ना, सॉरी माफ़ करना। तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है और फिर देखना, बताना मुझे कि आपका चैनल के ऊपर आपको मतलब फ़ायदा नहीं हुआ है, फिर मैं मानता हूँ आपको करोगे तो ज़रूर ही आपको जो बेनिफिट है वो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। ये मेरा एक कह सकते हैं कि मतलब जेन्युइन तरीका मुझे लगता है ऐसा वायरल होने का। बाकी आपको अगर कुछ अलग भी लगता है कि इसके अंदर कुछ करना चाहिए तो वो आप कर सकते हो दोस्तों, वो आपकी मर्जी है, तो है ना। तो मैंने जो जो डाला है उसको डालने के बाद मैं क्या कर दूंगा, इस वीडियो को सिंपली से पब्लिश पर क्लिक करके पब्लिश कर दूंगा दोस्तों, इतना ही करना है। अभी मैंने, मुझे लगता है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से शॉर्ट वीडियो को वायरल किया जा सकता है दोस्तों। एक मैंने ऑथेंटिक तरीका बताया, ऐसा नहीं कि कुछ कर दिया और जादू होकर आपका वीडियो वायरल हो गया। ये जेन्युइन तरीका मुझे लगता है, इसकी वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी मैं चाहता हूँ कि चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और इसी तरीके की वीडियो आगे भी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक किए बिना जाना ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने स्पेशल और फ्रेश वीडियोज़ के अंदर।